नमस्कार दोस्तों दोस्तों 2 महीने पहले मसूद अजहर को लेकर एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें विश्लेषण था कि चीन इस बार मसूद अजहर के मामले में पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, बल्कि चीन मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में संयुक्त राष्ट्र में कोई अड़ंगा ना डाल के भारत के पक्ष में आएगा। आज वह विश्लेषण बिल्कुल सटीक साबित हुआ है और मसूद अजहर को यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। खबर यही है कि चीन ने पाकिस्तान को पहली बार बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मसूद अजहर के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के 10 वर्ष से जारी प्रयासों को कल बड़ी सफलता मिली और साबित हुआ कि भारतीय कूटनीति का कोई तोड़ दुनिया में नहीं है, यानी भारत की कूटनीति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अब सवाल है, मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने से अब भारत को क्या फायदा होगा? क्या ऐसा करने से मसूद अजहर आतंकी कार्यवाही करना बंद कर देगा? क्या भारत में पाकिस्तानी सरजमी से हमले होने बंद हो जाएंगे, या फिर मसूद अजहर पर लगा ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा मात्र एक लेबल है जो उसे दुनिया में और भी ख्याति प्रदान करता है? सवाल यह भी जानेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान की दुनिया में क्या स्थिति होगी। पर इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले मसूद अजहर द्वारा भारत के खिलाफ किए गए हमलों के बारे में भी जानना जरूरी है। मसूद अजहर का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भारत में लगातार हमलों में लिप्त रहा है। अजहर को 1994 में श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, मगर कंधार विमान कांड के बाद भारत को उसे छोड़ना पड़ा। जेल से छूटने के बाद मसूद अजहर ने फरवरी 2004 में जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन की नींव रखी। मकसद था भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। साल 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, जिसमें इस संगठन का नाम आया। साल 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की गई, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से मसूद अजहर को मांगा। साल 2003 में परवेज मुशर्रफ पर भी आत्मघाती हमला हुआ, जिसके बाद उस पर पहली बार पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई। इसके अलावा मसूद अजहर ने पठानकोट हमला और 14 फरवरी 2009 में पुलवामा जैसे कई जख्म भारत को दिए। मसूद अजहर अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो चुका है। अब यह भी समझ लेते हैं कि इसके मायने क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब किसी संस्था या व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करती है तो उसके यूएन के सभी सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर धन, यात्रा, हथियार समेत सिलसिलेवार बैन लगाए जाते हैं। यानी यूएन के सभी सदस्य देशों द्वारा मसूद अजहर की दुनिया में कहीं भी मौजूद संपत्ति, फंड्स और सभी आर्थिक संसाधन फ्रीज हो जाएंगे। अगर दुनिया के किसी भी देश में मसूद अजहर के मददगार मौजूद होंगे तो उन पर भी नकेल कसनी शुरू हो जाएगी, बेशक वे किसी भी रूप में अजहर को लाभ पहुंचा रहे हों। खास बात यह है कि मसूद अजहर यूएन के किसी भी सदस्य देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा और ना इधर उधर घूम सकेगा। बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद के बाद यह दूसरा सपोला भी पाकिस्तानी निकला, यानी साफ हो चुका है कि दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का जो धब्बा वाला मुल्क नजर आता है वह टेररिस्तान है। अब यही पाकिस्तान डोजियर नहीं मांगेगा, क्योंकि दुनिया ने उसके चेहरे पर जो चांटा मारा है उससे बड़ी डोज कुछ नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान बिना भारत के कहे अपने देश में मसूद अजहर पर प्रतिबंधों को लागू करेगा। पाकिस्तान के शिकंजे के बाद अजहर कहीं भी घूम नहीं सकेगा, उसका आतंकी संगठन बंद हो जाएगा। यही नहीं, स्कूल के नाम पर चल रहे उसके आतंकी अड्डे भी बंद हो जाएंगे। पर असली कहानी तो पाकिस्तान की है। संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले से पाकिस्तान के चेहरे पर जो काली पुती है वह अब कभी साफ नहीं हो पाएगी। दुनिया में पाकिस्तान को अब तिरस्कार और शक की दृष्टि से देखा जाने लगेगा। अगर पाकिस्तान ने अभी भी आतंकवादियों को समर्थन देना बंद नहीं किया तो हो सकता है उस पर भी आतंकवादी देश होने का ठप्पा लगा दिया जाए। बड़ी बात यह होगी कि पाकिस्तान जिस कारखाने और कुएं को दिखाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था, उन सब पर इस एक फैसले से
पानी फिर गया है। यानी दुनिया के लोग अब पाकिस्तान में जाने के लिए 100 बार सोचेंगे। खासतौर से पाकिस्तान में FDI बहुत निचले स्तर पर चला जाएगा। यानी कंगाली की दहलीज पर बैठा पाकिस्तान अब खुले में आकर अपने दिवाले के किस्से जरूर बताया करेगा। खास बात यह है कि जिस CPEC की रखवाली का जिम्मा मसूद अजहर कर रहा था, चीन अब उसे अपने संरक्षण में ले चुका है। चीन को मसूद अजहर की कोई जरूरत नहीं रही। पाकिस्तान जो CPEC के बहाने अजहर को बचाने के लिए चीन पर दबाव डाल रहा था, पाकिस्तान ने चीन से भारी मात्रा में कर्ज लेकर दबाव उल्टा अपने ऊपर ही कर लिया है। पाकिस्तान में आज इतनी ताकत नहीं बची है कि वे अपनी कूटनीति को बैसाखी तक दे सके। भारत ने अपने दम पर पाकिस्तान को न केवल पंगु बना दिया है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर लगा आतंकवादी का धब्बा उसके पतन के ताबूत में एक और कील है, जिसे ठोकने का करिश्मा भारत ही कर सकता था। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।